जम्मू संभाग में बढ़ते आतंकी हमले के खिलाफ कांग्रेस ने जम्मू शहर में प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल वानी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान रसूल ने केंद्र सरकार पर आतंकवाद को रोकने में नाकाम होने का आरोप लगाया। रसूल ने कहा कि पिछले 3 सालों में जम्मू संभाग में लगातार आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। इसमें 42 के करीब जवानों ने अपना बलिदान दिया है। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाकर आतंकवाद को खत्म करने के कई दावे किए। चुनाव के दौरान भी देश भर में इसका झुंझुरा पीटा गया, लेकिन वास्तविकता में मोदी सरकार आतंकवाद को खत्म करने में नाकाम साबित हुई है। आतंकियों के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे 42 से ज्यादा 3 सालों में फौजी जवान इस जम्मू प्रोविंस में शहीद हुए, उस पर हम आज प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें सरकार रोक रही है, ये अच्छी बात है। देखिए, हम चाहते हैं ये थोड़ा, देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि फौरन आतंकी हमले जो है यहाँ पे रोके जाए, आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमें इस बात का बड़ा अफसोस है, जो बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में ढोल बजा रही है हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म किया, वो बीजेपी आज आतंक पे बात